सेक्स वर्करों ने दिल्ली पुलिस से लगाई गुहार, कहां खाने का सामान और रसोई गैस नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सेवा भारती संस्था की मदद से सेक्स वर्कर महिलाओं को रसोई गैस और राशन कराए उपलब्ध। कोरोना काल में आम जनता परेशान है, किसी को राशन चाहिए तो किसी को दवाई चाहिए और किसी को घर चलाने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस सबकी मदद कर रही है। वहीं कुछ ऐसे संस्थाओं भी है जो अपनी तरफ से हर जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना काल में गरीब तबका हो या मिडिल क्लास की लोग, सभी की हालत खराब है। वहीं दिल्ली के रेड लाइट एरिया में रहने वाली महिलाएं जो यहां पर सेक्स वर्कर के तौर पर काम करती है और अपना गुजारा करती है, इन्हीं सेक्स वर्करों ने दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई कि हमारे घरों में राशन नहीं है तो किसी के पास रसोई। मैडम ये बताइए कि आज आपको सेक्स वर्करों की तरफ से डिमांड आई थी कि उनके पास रसोई गैस नहीं है या फिर खाने की सुविधाएं नहीं है, तो आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया ये? देखिए भाई, यहाँ पे चौकी चार जीबी रोटी और नाइट के साथ कई तरह से जुड़ा हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो समस्याएँ होती हैं अब अपने सीनियर ऑफिसर को बताते हैं। तो जैसे हमारे पुलिस कमिश्नर साहब की रियासत के बात करती हैं, वो चाहते हैं कि हम जितने भी पुलिस हैं कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें। समाज में जो आज एक महामारी फैली हुई है, हम पुलिस के जरिए उसकी मदद कर सकते हैं। तो हम समय समय पर अपने डी सी पी, जॉइंट चीफ साहब और स्पेशल सिटी जैसे राजेश गोराना साहब, बुदेला साहब और हमारे डी सी पी जसवीर सिंह सर, रोहित सिन्हा सर और श्वेता नाथ की तरफ से हमें सपोर्ट मिलता रहता है कि आप जितने भी समाज में जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए आप कोई ना कोई जो भी मदद होती है करते रहें। तो इनके लिए एन जी ओज हैं, हमारे साथ जुड़कर आई हैं, उनको यहाँ पर जो सेक्स वर्कर हैं उनको हम डेली सुबह राशन देते हैं और बना हुआ राशन भी देते हैं जो पका हुआ होता है। इसके अलावा जब इन्होंने ये कहा कि सुबह राशन तो हमारे पास हो गया अगर आप इसे पकाए कैसे, तो उन्होंने गैस सिलेंडर की डिमांड की। तो हमने अलग अलग एन जी ओ से बात की, तो इसके लिए सेवा भारती आगे निकल कर आई और उन्होंने यहाँ पे जितने भी सेक्स वर्कर आए इन सब के लिए उन्होंने हमें सिलेंडर दिए, जो मैं समझती हूँ कि लाखों की तादाद में है ये
तो इन्होंने अगर कर रहे हैं और जो कुछ एनजीओज जैसे कर्तव्य और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद इच्छा से आते हैं और यहाँ पे जो जरूरत वालों को चीज़ें देते हैं। तो अपने पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उनकी तरफ से हमें जो सपोर्ट मिल रहा है कि यहाँ पे हमें सबकी मदद कर सके, तो जितनी कोशिश होती है हम आगे बढ़कर इनके लिए मदद करते हैं और इसके लिए हमारा कपड़ा मार्केट का स्टाफ पूरा इसमें। मैम ये बताइए कि जो यहाँ के सेक्स वर्कर हैं उन लोगों को कितने परिवारों को आप लोगों ने रसोई गैस या खाने की चीज़ें सामान दिया? जो इस समय कोविड के टाइम में 650 के करीब जो सेक्स वर्कर हैं जो यहाँ पे रह रही हैं और जितने भी यहाँ पे ब्रोथ हाउस हैं उनमें हर महिलाओं को हमने कुछ लोग जो छोटे सिलेंडर यूज़ करती है जो छोटे सिलेंडर हैं वो ओवर 270 हैं और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बड़े सिलेंडर यूज़ करती हैं और मिलकर खाना बनाती हैं तो वो भी करीब 70-80 के करीब है वो जो भी हैं। तो टोटल हमने जो 650 लेडीज़ को सिलेंडर दिए हैं ताकि ये अपना आज खाना अपना जो राशन है उसको बना सकें और जो लोग नहीं बनाते हैं उनको हम पका पकाया खाना डेली देते हैं और कुछ ऐसा फूड देते हैं जिससे ही अपने और हम फूड के साथ आपको दवाइयाँ दे रहे हैं। अगर कोई कोरोना से पीड़ित है तो उसका इलाज के लिए हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और इम्यूनिटी पावर कर लिए हम उन्हें समय समय पे गाइड भी कर रहे हैं कि और जिन्हें फल फ्रूट दे रहे हैं जो उनके बच्चे हैं उनके लिए हमने स्पेशल चिल्ड्रन किट बनाई है जो हमारे डीसीपी साहब ने उनका एक कार्ड बनाया कि इनको हर चीज़ मिलनी चाहिए तो उनको हम फ्रूट दे रहे हैं जूस दे रहे हैं और जो बच्चों को खाने की चीज़ें हैं बिस्किट्स वगैरह केला आप ये सब चीज़ें उनको डेली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज भी हम देखिए राशन दे रहे हैं उन्हें राशन के साथ ये इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि सिर्फ चावल दाल आटा है इनको दलिया दे रहे हैं दूध के पैकेट दे रहे हैं सब्जी के लिए मसालों का सामान दे रहे हैं दूध दे रहे हैं चाय पत्ती दे रहे हैं। तो इस राशन के लिए यानी किसी भी परिवार को कोई दिक्कत होगी तो दिल्ली पुलिस उनके साथ खड़ी हुई है और जो हमें पर्सनल बताता भी है कि हमारे पास ये चीज़ की कमी है हम इमीजिएटली उसी दिन हम उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। गैस रसोई गैस और सामान की सामग्री बांट रहे हैं क्या लगता है कि इन लोगों के लिए सरकार को क्या देना चाहिए था या आप लोगों की संस्था काम करेगी? ये व्यवसाय दुखदायी है इसका भी जब कोविड का तथा समय आया था तो महसूस हुआ था कि इनको इस तरह का एक बिजनेस धंधा जो इनका है तो राशन की बड़ी दिक्कत है। सेवा भारती का काम है कि जनरल तक पहुँचना उनको ये कोई मतलब नहीं है कौन है क्या है कौन सी कास्ट है क्या व्यवसाय है उनको ये है कि भाई जहाँ भी भूख है वहाँ पर अपना संभव सेवा हो वो करें। अब इसी तरह इन्होंने कॉन्टेक्ट किया सेवा भारती से कि राशन तो हमारे पास आ गया मगर हमारे पास राशन को बनाने के लिए रसोई गैस नहीं है। तो सेवा भारती के लोगों ने इसकी चिंता करी और गैस वालों से बातचीत करी उन्होंने कहा कि ठीक है हम सप्लाई कर देंगे। सेवा भारती ने उनसे बातचीत करके और वो सप्लाई किया तो धन तो हुआ आप जैसे दानदाता सदन को देते रहते हैं सेवा भारती को उनके सारे सेवा भारती चलती रहती है। एलपीजी के कितने सिलेंडर दिए गए हैं? आज अभी ये कंटिन्यूटी चल रहा है जितने भी होंगे वो सारे दिए जाएंगे। अंदाज जो रुपये सूची बनी थी वो 72 की बनी थी बेहतर बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर करीबन 100 हो जाएंगे ऐसी सूची बनकर आई थी कल इनके पास से कि हमारे को ये आवश्यकता है तो हम उसके लिए प्रीपेड है कोई 10-15% फालतू भी होगा तो कैसे सूची तैयार है उसके देने के। सेवा भारती क्या दिल्ली इसी जगह पर सेक्स वर्करों के लिए काम कर रही है कि पूरे दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर काम कर रही है? भारती का तो मेन मकसद है वो वंचित परिवार वो समाज का बिल्कुल लास्ट तल्ले का जो समाज है सेवा बस्ती को कहते हैं क्लस्टर एरिया कहते हैं उन्हें के कैसे वो आम धारा में आए उसके लिए सेवा भारती काम करती है और उनके बच्चों की शिक्षा संस्कार समरसता और उसके बाद यदि कोई ऐसी अकस्मात कोई ऐसा आ जाता है सेवा भारती उसके लिए तैयार रहती है। अभी पीड़ा आ गई पैंडेमिक आ गया बाढ़ आ गया तो सेवा भारती ये काम भी साथ साथ करती है तो ये पार्टिकुलर सेक्स वर्कर के लिए नहीं है ये 50 काम में से एक एक काम निकल कर आया है। क्या सेवा भारती की तरफ से वैक्सीन वगैरह के लिए भी कोई सुविधा दी जा रही है लोगों के लिए? वैक्सीन का सेवा भारती का नहीं है वो मेडिकल डिपार्टमेंट है सेवा भारती का अलग से वो उनकी चिंता कर रहा है वो अलग है इसलिए राशन गैस ये हमारा सेवा भारती का अलग सेवा का मतलब है।